নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল বাংলা অনলাইন চ্যানেল। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট রয়েছে। চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনা, চাকরি প্রার্থীদের বঞ্চনার কথা সংসদে তুলে ধরলেন মাননীয় সাংসদ সৌমিত্র খান। সরাসরি দেখুন। আর আমার পশ্চিমবঙ্গল এক পিছিয়ে যা রা হ্যায় কিসলিয়ে, জো আমারা সরকারি কর্মচারী হোতা হ্যায় उसको डीए नहीं मिल रहा है, उसको धक्का देके जवानों से आउट करने पड़ रहा है। आज हमारे वहां पे नागरी में चोरी होते हैं। आज वहां पे खाद्य राशन का जो मिनिस्टर है, जो फूड मिनिस्टर है, वो जेल में है। एडुकेशन मिनिस्टर बंगाल पे जेल में है। और हमारा वहां पे यूसी नहीं मिल रहे, वहां पे दाव दाव बोलती है, लेकिन कहां पैसा जा रहा है। मेरे वित्त मंत्री से मेरा इच्छा है, मेरा जाए डिमांड के साथ बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा डिमांड, जो आप पश्चिम बंगाल का पैसा भेजिए, लेकिन उसका यूसी भी लेना चाहिए, क्योंकि नागरी में जालियात, हर जगह में जालियात। और हमारा भारतवर्ष पूरा आगे जा रहा है। कोई नहीं सोचा था जो बुलेट ट्रेन हमारा भारतवर्ष में हो सकता है। एक हमारे मेंबर बोल रहा था जापान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, सोच कभी सोचा कांग्रेस का सरकार जो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगा? कभी सोचा जो चंद्रयान होगा, सक्सेस होगा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा और करके दिखाया। सबसे बड़ी बात है, आज भारतवर्ष में कोई खाने के लिए नहीं रोता है। रोते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट विरोधी पक्ष का है उसके लिए रोते हैं, जो हमारा पैसे आते हैं 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे 16 पैसा मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट अभी डायरेक्ट पैसा भेज रहे, 100 पैसा इधर से भेज रहे तो उधर जा रहा है। और जब स्टेट गवर्नमेंट के पास हो रहे, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे मांग है, ये वित्त मंत्री है जो हमारे पश्चिम बंगाल के किसान जो साइक्लोन आया है उसने बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, इसके लिए कुछ ऐसे योजना करिए जो डायरेक्ट फार्मर के पास जाए। बहुत क्षतिग्रस्त हुआ जो पोटेटो फार्मर से, जो आलू चाषी है, जो रास्ते में लेकर आने चाहिए था लेकिन वो आ नहीं पाया, वो खेत में धान पेड़ी का खत्म हो गया। मेरा भारत श्रेष्ठ भारत है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में हम लोग आगे जाएंगे। अरे पूरा जो जो बोल रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम वही बोलेंगे, ये भारत आगे जाएगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे जाएगा।